हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि इन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने साइड में लिखकर किया। जैसे एक बार बता देता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या कंडीशन होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये तो कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो उसके बाद मेरी आउटपुट आएगी, यानी कि ये मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो है और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ए इज इक्वल टू 2312, ठीक है दोस्तों। फाइंड ए स्केयर, ए स्केयर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा हमें। तो ए स्केयर क्या होता है, ए स्केयर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स में। ए स्केयर को मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है मुझे, 2312 को ऐसे लिखा, और ए भी क्या है, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2312। सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दो इसकी, पहले मैं कंडीशन चेक करूँगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, पहले इस रो को उठाएंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो के साथ, 2 × 4 + 3 = 3, ठीक है दोस्तों। इसको इसके साथ कर दिया, अब इसको इसके साथ करना है मुझे, 2 × 6 + 3 × 6, ठीक है दोस्तों। अब इस रो का काम दोनों मैट्रिक्स दोनों कॉलम के साथ ख़त्म, अब इस रो के साथ देखते हैं, 1 × 2 = 1 और 2 × 2, ठीक है दोस्तों। इसके साथ अब इसके साथ 3 × 3 + 4, तो मल्टीप्लाई करके क्या है मेरे पास, 7 × 12 = 4 × 7, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए स्केयर, ठीक है दोस्तों। ऐसे मैं किसी मैट्रिक्स का ए स्केयर फाइंड आउट कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए स्केयर की जगह पे ए क्यूब आ गया, तो वो कैसे करेंगे, ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए क्यूब को कैसे लिखते हैं दोस्तों। मैट्रिक्स में ए क्यूब को आप कैसे लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे उसके बाद ए स्केयर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप पहले ए स्केयर नहीं लिखेंगे, ए स्केयर इंटू ए नहीं लिखेंगे, पहले ए स्केयर, पहले ए इंटू ए स्केयर, ऐसे ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ए स्केयर फाइंड आउट किया था, तो ए स्केयर क्या है, ये है, ठीक है दोस्तों। मुझे ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो पहले ए लिखूँगा मैं, ए क्या है मेरे पास, 2312, ठीक है दोस्तों। और ए स्केयर क्या है, 7 × 12 = 4 × 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब मैं यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ए क्यूब, हाँ जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 = 14 + 4 = 12, फिर इस रो की इसके साथ मल्टीप्लाई, 12 × 24 + 7 = 21, फिर इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 × 7 = 4 × 8, फिर इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, 12 × 12 + 7 × 14, तो ये क्या आ गया, 36, ठीक है दोस्तों। ये 5, ये 4 और ये 8 × 7 = 15, ये 6 × 2 = 26, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया मेरा, ए क्यूब। ऐसे आप ए क्यूब निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है दोस्तों। अब ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 × 3 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 6। ऐसे 3 × 2 क्या है, 6। इसमें तो दो को आगे लिखा, 3 को पीछे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 को आगे लिखा, 2 को आंसर सेम आया, ठीक है। यानी कि 2 × 3 = 3, 3 × 2, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A × B फाइंड आउट करता हूँ मैं, दो मैट्रिक्स का, वो कभी भी B × A के बराबर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, AB = BA, यहाँ पे AB = BA है, ठीक है दोस्तों। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, A = 0 0 4 0,
फाइंड A16। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। हाँ जी, मैं A16 को A²^8 लिख सकता हूँ, 8 × 16, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले इस मैट्रिक्स का A² फाइंड आउट कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। A² को मैं A·A लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, A² फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, 0040। आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया, इस रो की इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, जीरो के साथ मल्टीप्लाई, जीरो की फोर के साथ मल्टीप्लाई, जीरो, फिर इसकी इसके साथ जीरो की मल्टीप्लाई, जीरो, और इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, जीरो, जीरो यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ भी जीरो, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, और यहाँ भी जीरो। तो ये क्या है मेरे पास, 0000, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास A² क्या आ गया, 0000। ये 00 क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर की, ठीक है। अब मुझे इसका करना क्या है, A²^8 करनी है, यहाँ पे कर देता हूँ। अब 0000 इसकी पावर 8 करनी है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी पावर 8 करूँगा तो वो भी क्या आएगा, 0000 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि A16 क्या आ गया मेरे पास, 0000। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, AB फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। आइए करते हैं, 1 ω² ओमेगा ओमेगा, इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ω, ये W है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये ओमेगा क्या होता है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये मैंने साइड में लिख रखे हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या देखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, और यहाँ ओमेगा क्यूब प्लस में ओमेगा क्यूब, ठीक है दोस्तों। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहती है -k1, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, 3 × 1 = 4, इसकी वैल्यू अगेन -1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कहती है 1, यहाँ 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कहती है 1, 1 ω, तो ओमेगा यहाँ पे -k1, यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों। ये -1 एज इट इज, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू अगेन -1, ये -1 और ये 2, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, यानी कि AB की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ये आ गई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास ये, और वो पूछ लेगा फाइंड x, यानी कि x की वैल्यू बताएं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो मुझे करना क्या है, पहले मान लेता हूँ इस मैट्रिक्स को A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C। तो मुझे करना क्या है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये क्या है, जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, फिर उसको जीरो मैट्रिक्स के बराबर रख दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स के। करते हैं पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले कंडीशन चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों की, ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 1×3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, हाँ जी, इसकी रो और इसकी कॉलम, सॉरी इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा वो देखते हैं, 1×3, यानी कि एक ही रो होएगी, एक रो होएगी सिर्फ, और 3 क्या होएंगे, कॉलम होएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई की 1, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0, और 1 की एक्स की 2 के साथ की 2x, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 की 0 के साथ 0, 1 की 2 के साथ 2, और 1 के x के साथ x, ठीक है। उसके बाद इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की 2, 1 और x की 0 के साथ 0, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है,
एक रो है और तीन क्या कॉलम है, ठीक है। इसको ठीक करके लिख लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या आ गया, 1 + 2x, 2 + x और 3। इसका ऑर्डर क्या, 1 × 3। अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है मुझे, क्या 1 1 1। पहले चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आइए देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1। इसकी कॉलम इसकी रो बराबर है, हाँ जी बराबर है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 × 1, यानी कि सिंगल एक एलिमेंट आएगा मेरे पास। 1 × 1 का मतलब तो यही है, एक ही एलिमेंट है। तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा, 1। इसकी प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 1 और प्लस 3, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया, x और 2x क्या होते हैं, 3x, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 3x प्लस में 6, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे देखें, हाँ जी ये एक मैट्रिक्स है और 0 का ये भी 0 मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1। तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1, और वो भी क्या, 0, यानी कि वो क्या होगी, 0। तो इसको इसके बराबर रख लो, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गए a इज इक्वल टू इसके बराबर है मैट्रिक्स, और मुझे ये इक्वेशन कंडीशन दे रखी है, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू। कैसे करेंगे, पहले ए स्केयर फाइंड आउट करते हैं, ए स्केयर, ए स्केयर क्या, 1 0 माइनस 1 7, इसकी मल्टीप्लाई सेम इसी के साथ, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की 1 के साथ 1, और 1 की इसके साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में 0, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 7, ठीक है दोस्तों। इसके साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस के 40। तो आगे क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 1 0 - 8 49, यानी कि ए स्केयर मेरा ये आ गया। आगे मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए स्केयर की वैल्यू क्या है, 1 0 - 8 49 इज इक्वल टू 8a, यानी कि ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 8 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई अंदर। तो क्या रहेगा, 8 0 - 8 और ये 56, इसकी प्लस में के आई टू। ये आई टू का मतलब क्या है, आई टू का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर की, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला इसका ऑर्डर 2 × 2 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए है जो इसका ऑर्डर क्या था, 2 × 2, और ये दोनों ऐड हो रही हैं। दोनों मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 0 - 8 और 49 -8 0 - 8 56 इज इक्वल टू, ये के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के 0 0 के, ठीक है, हाँ जी। 1 - 8 का क्या आ जाएगा, -7 और 0 - 0 का 0, -8 और ये +8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 49 में से ये गया तो क्या आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू के 0 0 के। यहाँ से कंपेयर कर लूँगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -7, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उनसे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।